तो है गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरी तबीयत तो बहुत ख़राब चल रही है अभी, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम भी हो रहा है, गला भी बैठ गया है, सर दर्द भी कर रहा है, तो टेंशन इतनी ज़्यादा चल रही है। एक वीडियो बना के बताया था मैंने आपको, तो बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है मेरे साथ, मैं जो आपको शेयर नहीं करा है, करूँगा एक टाइम आने पर करूँगा। बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है मेरे साथ बैकग्राउंड में, पर मैंने सोचा कि बहुत सारा कॉन्टेंट है तो टेंशन में बना नहीं पा रहा हूँ, तो पर आज मैं बना रहा हूँ डाइट चार्ट के ऊपर। ये मेरे को जो डाइट चार्ट दिया था मुझे वहाँ से घर आके जो फॉलो करना था, तो ये डायबिटीज़ के लिए है। तो ये मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, मैं क्या आपको बता दूँ, अगर आप में से किसी को डायबिटीज़ है और योगग्राम जाना चाहते हैं तो उसके पहले एक बार तो यूज़ तो करके देखें आप इसको भी। तो इसमें पूरा शेड्यूल लिखा है दिन भर मुझे क्या करना है, तो उस हिसाब से बता देता हूँ। और ये डाउनलोड कहाँ से करना है आपको वो भी मैं बता दूँगा, पहले आप सुन लीजिए। इसमें जैसे फ़ोटो दिख रहा होगा साइड में, तो आपको दिख रहा होगा 5:30 बजे नींबू प्लस सौम्य पानी एक दिन ले सकता हूँ, और एक दिन गिलोय प्लस कुटकी प्लस चिरायता का काढ़ा इस सुबह मुझे 5:30 बजे के पहले लेना है, ठीक है। दोनों में से एक चीज़ ले सकता हूँ, एक एक दिन बदल के ले लो। फिर 5:40 से 8 बजे तक यहाँ पेन से लिख दिया 8, तो योगासन प्लस प्राणायाम करना है मुझे, ठीक है। इसके बाद 7:30 बजे है ना, रात्रि का भीगा हुआ बादाम खाना है, 7 लिखे हुए इसमें, मैं 5 खाता हूँ, 7 खाता हूँ। उबले हुए टमाटर 4 लेना, अंकुरित मेथी, मूंग, मोठ या अल्फा अल्फा, मसूर आदि प्लस लहसुन 5 कली प्लस दिव्य ओटमील जई जौ का दलिया प्लस रस में है गाजर, आंवला या शलजम, चुकंदर प्लस कच्ची हल्दी अथवा लौकी 250 ग्राम, अदरक 5 ग्राम, पुदीना 10 ग्राम, करेला 100 ग्राम प्लस धनिया पत्ता 10 ग्राम, पालक 50 ग्राम प्लस तुलसी पत्ता 15 नग प्लस ककड़ी खीरा मतलब जो कि है और लौकी खीरा टमाटर का 75 से 100 ग्राम मिश्रित सब्जियों का कॉकटेल रस, ये इस प्रकार से ले सकता हूँ मैं। इसमें कुछ भी मतलब इतना सारा लिखा हुआ है ना, आधा एक दिन ले लिया, आधा एक दिन ले लिया, आधा एक दिन ले लिया, ऐसे कर सकता हूँ। उसके बाद ना मुझे 10:30 बजे के इधर साइड में लिखा है एक बाउल सलाद प्लस एप्पल है, एक बाउल मखाना, ये इतनी चीज़ लिखी हुई है, 3 मतलब 10:30 बजे ये ले सकता हूँ। फिर दोपहर में 1 बजे मुझे लंच लेना है मल्टीग्रेन रागी है जो क्या, उसके पहले करेले का रस भी लेना है, 1-2 रोटी लेना, कम मिर्ची मसाले, लो AGI की कुकड उबली सब्जियां लेना है, सूप सलाद ये ले सकता हूँ, और इसमें मेथी सरसों का पाउडर भी लेना है मतलब मुझे। और दोपहर के भोजन के उपरांत खाना खाने के बाद लगभग ये 4-5 बजे के आसपास ये टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे 5 बजे का, पेठा लौकी रस, करेला एक सफ़ेद पेठा आता ना उसका रस, करेला खीरा टमाटर का रस, मखाना चने ये ले सकता हूँ मैं, इसमें अमरूद ले सकता हूँ, सेब ले सकता हूँ, स्ट्रॉबेरी ब्रैकेट में लगा हुआ है ना ये नहीं ले सकता हूँ मैं, ये लेना भी तो बहुत कम मात्रा में लेना, नाशपाती ले सकता हूँ और मेथी पानी ले सकता हूँ मेथी का, ये इतनी सारी चीज़ें लिखी है, पपीता जामुन कटहल अनार ये सब इधर से साइड में लिखा हुआ है ना ये ले सकता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है वो बता देता हूँ मैं आपको, और ये कहाँ से डाउनलोड करना है मैं वो भी बता दूंगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो। रात्रि के भोजन से पूर्व मुझे ना दलिया लेना है, ये मल्टीग्रेन दलिया, करेला का रस भी लेना है इसके पहले, और रात्रि का भोजन है 7 से 8 बजे के बीच में, तो मुझे 1-2 रोटी दलिया प्लस कम मिर्ची मसाले की उबली हुई कुकड सब्जियां जो है, सूप या सलाद, अलसी पाउडर, मेथी सरसों पाउडर ये ले सकता हूँ, ये साइड में लिखा हुआ। रात्रि के भोजन के बाद गिलोय और कुटकी चिरायता का काढ़ा फिर पीना है मुझे रात को। सप्ताह में 1 दिन रसा आहार, फलाहार, जल उपवास, नींबू पानी शहद का उपवास कर सकता हूँ मैं। इसके बाद ये जो निषेध लिखा हुआ है, चाय, चीनी, कॉफ़ी, तले भुने तेलीय आहार, तीव्र मिर्ची मसाला, अंडा, मांस, वैसे मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैदा तथा बेसन के आहार, बिस्किट, ब्रेड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोका कोला आदि मतलब कोका कोला वगैरह, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ें मैं खाता भी नहीं हूँ, जेमी जीली नशीले दवाइयाँ ये तो कुछ भी नहीं लेता, तम्बाकू बिल्कुल, अपन तो शुद्ध शाकाहारी इंसान है, संश्लेषित आहार, परिशोषित आहार, शराब ये तो कुछ भी नहीं है, तो ये सब आप पढ़ लेना, कहाँ से पढ़ेंगे वो भी बता दूंगा। उसके बाद पेट पर गरम ठंडे सेक करना है 20 मिनट लपेट, जो मैं लपेटता हूँ दिन में वो भी, हॉट एंड कोल्ड बाथ मतलब एक टब में गर्म पानी में बैठना और ठंडे पानी में बैठना, गर्म पानी में बैठना हिप्स बात होती है ना वैसे, ठीक है ये करना है। यहाँ तक का डाइट प्लान है मेरा ये, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है ये, मैं है ना आपको मिलेगा है ना इंस्टाग्राम पे मेरा जाना, राकेश ढाबे ब्लॉग्स इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, तो वहाँ पे जाना और वहाँ से आपको इंस्टाग्राम पे ये दोनों फोटो खींचे हुए मैंने अपलोड कर दूँगा अच्छी क्वालिटी में, और वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डायबिटीज़ वालों के लिए क्या प्लान है।
तो अगर ये वीडियो यहाँ तक पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।